हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन की डेली वोकैब सीरीज में। और ये हमारी सीरीज का एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है और ये 17वीं वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज में 16 सेट आ चुके हैं और 3 रिवीजन वीडियो आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज के 5 वर्ड्स हैं, पहला है पाइनियर। इसको पाइनियर भी बोलते हैं और पाइनर बोलते हैं, अधिकतर ब्रिटिश लोग पाइनर बोलते हैं। पाइनर, रिपार्टी, पेनिसिया, हैकमैन एंड एक्सटेम्परी। सो स्टार्ट द वीडियो विद द वर्ड पाइनर। पाइनर का जो मतलब होता है वो मतलब यही होता है, अग्रदूत होना। अग्रदूत मतलब जो सबसे आगे रहे किसी काम का, जो स्टार्ट करने में जो हेड हो। अ पर्सन हु इज एमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल अ न्यू कंट्री इन एरिया। ये किसी चीज, किसी टेरिटरी के लिए है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं पे कोई नया देश, नया गांव, नया शहर बसाता है, उस चीज़ के लिए है। क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, बिल्कुल नई चीज़ कर रहा है, बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट कर रहा है। और दूसरा क्या है, डेवलप और बी द फर्स्ट टू यूज़ और अप्लाई समथिंग न्यू। कोई नया कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करने के लिए, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई थ्योरी, कोई नया आइडिया, कुछ भी जो चीज़ बिल्कुल फ्रेश है अभी तक, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जैसे एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी खोज कर दी, न्यूटन ने ग्रेविटी खोज। तो ये जो चीज़ जो जिसके बारे में किसी के बारे में किसी को पहले से कुछ पता नहीं था, तो ये होता है। ये एक नाउन है और ये एक वर्ब भी है। किसी चीज़ की खोज करना या कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल नया हो, और वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है उसको बोलेंगे पाइनर। तो ये है वर्ड पाइनर। पाइनर का मतलब मैंने इसे जहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो क्रिकेट से लिया हुआ है। हरभजन सिंह वॉज द पाइनर ऑफ दूसरा। दूसरा क्या था, स्पिन बॉलिंग में जो एक रेगुलर ऑफ ब्रेक बॉलर होता है वो एक अलग, ये एक अलग कैटेगरी लेके आए थे उसमें, जिसमें अपनी सबसे छोटी फिंगर को यूज़ करके ये बॉल फेंका करते थे। इसका नाम पड़ा था बाद में दूसरा। तो स्पिन बॉलिंग में इन्होंने एक नई, मतलब नई विधि का, नई विधि की शुरुआत की थी। जैसे अश्विन ने शुरुआत की कैरम बॉल की। तो ये जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई हैं, जो कोई एक नया बंदा लेके आ रहा है वो नई चीज़ जो स्टार्ट करने के, ये होते हैं पाइनर। तो ये है हरभजन सिंह क्या है, पाइनर है दूसरा के लिए, पाइनर ऑफ दूसरा इन स्पिन बॉलिंग। ओके, रिपार्टी मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है रिपार्टी। ये एक नाउन है और रिपार्टी मतलब होता है हाजिर जवाबी। कोई ऐसी बातचीत जिसमें दो लोग, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को इतनी जल्दी जल्दी, हाजिर जवाबी मतलब बहुत क्विक जवाब करना। कन्वर्सेशन और स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाई क्विक विटी एंड विटी कमेंट्स और रिप्लाइज। जो बहुत तेज, मतलब तुरंत कोई किसी ने बात बोली तो सामने वाले ने तुरंत बोला, जो एक तरीके से वो वार्तालाप होता है उसको बोलते हैं रिपार्टी। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द रिपार्टी बिटवीन बोथ टर्न इन टू एग्रेसिव डिबेट। ये दो दो व्यक्ति हैं जो बात कर रहे थे आपस में। पहले तो एक सिंपल एक वो कन्वर्सेशन था जिसमें एक दूसरे के जवाब दे रहे थे, बातें चल रही थी। तो बाद में क्या हुआ, टर्न इन टू एग्रेसिव डिबेट व्हेन इट केम टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। जो अधिकतर डिबेट होती है हम लोगों के बीच में, ट्रेन में चलते समय या जब भी जहाँ भी कहीं भी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ हर जगह पे डिबेट क्या होती है, एक अजीब सी डिबेट होती है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। बात स्टार्ट किसी चीज़ पे होती है और फिनिश किसी और बात पे होती है। तो ये जो तरीका है कि बात करते करते एकदम से फिर बाद में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, तो उस पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। और जो तरीका हाजिर जवाबी है, इसका एग्जैक्ट मतलब सिर्फ वो एग्रेसिव होना नहीं होता है, इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ होता है कोई ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें सामने वाले का जवाब बहुत प्रॉम्प्ट जवाब आ रहा हो, बहुत तुरंत, जैसे बोलते हैं हिंदी में होता है तुरंत जवाब, तो बिल्कुल तुरंत वाला जवाब आता है। आपने कोई चीज़ बोली, सामने से एक्सप्लेनेशन बहुत फास्ट एक्सप्लेनेशन आया, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये है रिपार्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है ये काफ़ी सिंपल वर्ड है, पेंसिया। इसका मतलब होता है कोई रामबाण, कोई सर्व रोग हारी, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हर चीज़ का, कोई हर बीमारी का जो इलाज है, जो सोल्यूशन है हर बीमारी का, हर टाइप की डिफिकल्टी का। अ सोल्यूशन और रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज और डिजीज। आपकी सब प्रकार, हर प्रकार की समस्या या हर प्रकार की बीमारी का जो इलाज है उसको बोलते हैं पैंसिया। इसको हिंदी में बोला जाता है रामबाण, रामबाण होना इलाज, बोलते हैं ना रामबाण इलाज, मतलब कुछ भी हो आपको, सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक का कुछ भी, एक कोई चीज़ बोली जाती है और सही उसको खा लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो होता है पेंसिया। ये एक हाइपोथेटिकली वर्ड है क्योंकि पेंसिया टाइप की कोई चीज़ एग्जिस्ट शायद नहीं करती है। तो मैंने जो इसका एग्जाम्पल लिखा है, देर इज़ नो पेंसिया इन दिस वर्ल्ड।
रियल में प्रैक्टिकली बात की जाए अगर, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी हर प्रकार की डिफिकल्टी और हर प्रकार की डिजीज को खत्म करने की, उनको सही करने की कैपेसिटी रखता हो अपने अंदर। बट एवरी वन हैज हिज ओन। ऐसा होता क्या है, लोगों के अंदर ऐसा परसेप्शन होता है, लोग ऐसा मानते हैं, मान लेते हैं, खुद का एक क्या कहते हैं मिसबिलीव होता है कि हाँ, जैसे कुछ लोग गम के मारे हुए हैं तो वो क्या कहते हैं, वो शराब को अपना पैंसिया मान लेते हैं। भाई शराब पिए, नशे में आए, उसके बाद वो सब चीज़ों को भूल गए। तो कुछ लोगों को म्यूजिक है, कुछ लोगों के लिए म्यूजिक है, कुछ लोगों के लिए गेम है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे लिए भी है। कितनी भी समस्या हो, कोई जाके स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी गेम खेलना शुरू कर देता हूँ तो अपने आप को सब चीज़ों से रिलैक्स मानता हूँ। तो एक तरीके का क्या होता है, अपने अंदर मिसबिलीव ही है और कुछ नहीं। तो ये है पैंसिया, जिसको हम मानते हैं कि जैसे हर प्रकार की रामबाण इलाज है। जैसे कि जो साधु महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि हर प्रकार की समस्या का इलाज क्या है, निर्वाण। आप जाओ आराम से तप अप करो, निर्वाण प्राप्ति करो, हर प्रकार की समस्या का इलाज है। तो हर व्यक्ति के लिए पैंसिया एक अलग अलग चीज हो सकती है, लेकिन पैंसिया का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वही होता है कोई सी चीज का बिल्कुल रामबाण इलाज, सर्व रोगहारी, जो एक ऐसी चीज जो हर प्रकार के रोग को हर ले। तो ये था वर्ड पैंसिया। जो नेक्स्ट वर्ड हैकमैन, हैकमैन एक प्रकार का नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, हैकमैन वो है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्या है ये, आतंकवादी। तो इसका जैसे क्या कहते हैं, इसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जो इसके साथ चलने वाले लोग हैं, जैसे ये लोग जो पीछे बैठे हुए हैं ब्लैक चश्मे में, तो जो ये लोग हैं जो इसका काम करते हैं, जो इसकी अनुयायक हैं, जो इसके प्रधान सेवक हैं, ये मतलब बिल्कुल टॉप टॉप वाले बंदे हैं जो बिल्कुल इसके आसपास हमेशा रहते हैं। तो आप फेथफुल फॉलोअर और अ पोलिटिकल सपोर्टर, स्पेशली वन प्रिपेयर टू एंगेज इन अ क्राइम और वायलेंट वे टू सर्व। क्या कहते हैं, सर्विस करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप वो अपने जो अपना जो मास्टर होता है उसको सही साबित करने के लिए या उसको सर्व करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो जो उस टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो किसी भी लीडर के आसपास आप देख सकते हैं, कोई भी लीडर चल रहा होता है उसके आसपास चार पांच लोग जो उसके चारों तरफ चल रहे होते हैं, बिल्कुल भीड़ को फेंकते समय, वो नहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं उनकी सिक्योरिटी में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो लोग होते हैं जो उनकी सेवा में, जो उनके सेवक होते हैं, जो उनकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उन लोगों की बात की जा रही है जो वहाँ के जो उन उसके क्या होते हैं, सेवक होते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है, हैकमैन आर दोज गाइज, हैकमैन आर दोज गाइज, ये मैंने प्लुरल किया है यहाँ पे। तो वो ये वो लोग हैं विद ओनली वन गोल, यहाँ पे वन गोल, टू सपोर्ट देयर मास्टर। क्या होता है, उस अपने मास्टर को सपोर्ट करने के लिए, अपने मालिक को सपोर्ट करने के लिए, वो किसी भी तरीके से, कुछ भी गलत कुछ भी सही, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। उनका क्या होता है, माइंड बिल्कुल ब्लॉक होता है, बस एक ही काम है, बस अपने जो मास्टर है उनको सपोर्ट करना है। तो ये है हैकमैन, ये होता है आपका बिल्कुल फेथफुल अनुयायी, एक फेथफुल प्रधान सेवक, अनुयायी, मतावलंबी, हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब होता है किसी कोई ऐसा क्या कहते हैं स्पीच देना या कोई ऐसा काम करना जिसकी आप क्या कहते हैं कोई प्रिपरेशन ना करें, जीरो प्रिपरेशन के साथ जाना और उस स्पीच को डिलीवर करना, वो होता है एक्सटेम्परी। एवरी लीडर डज नॉट हैव द क्वालिटी टू डिलीवर अ एक्सटेम्परी स्पीच। क्या होता है, हर लीडर के पास वो क्वालिटी नहीं होती है, जैसे ये लीडर है तो हर लीडर के पास वो क्वालिटी नहीं होती है कि आप एकदम से उसको स्टेज पे खड़ा कर दें और वो अपने भाषण को क्या कहते हैं अपनी स्पीच को डिलीवर कर दे। तो वो क्वालिटी कुछ लोगों में ही होती है। तो ये है वर्ड एक्सटेम्परी। इसका जो क्या कहते हैं एग्जैक्ट सिनोनिम होता है इम्प्रोम्प्टू, वो आपने पढ़ा होगा, इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू जो होता है, इम्प्रोम्प्टू, PROMPTU, इम्प्रोम्प्टू जो है ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है, बिना तैयारी के लिए कोई, बिना तैयारी की कोई स्पीच देना। तो ये थी आज की वीडियो। आज के पांच वर्ड्स को आप एक बार फिर से रिवाइज करिए, उनको पढ़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये पहुँच सके और लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्पीड अप एजुकेशन पे आप अपना टाइम दिए आप आपने अपना टाइम दिया, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।